हमीरपुर में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। गत 3 दिन पहले भी शहर से 3 बाइकें गायब हुई थी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात ये है कि बाइक चोर बाइकों को घरों से चुरा कर सुनसान जगहों पर छोड़कर भाग रहे हैं। बाइक चोर बड़ी शातिरता से बाइकों को स्पार्क प्लग को डायरेक्ट करके बाइकों को स्टार्ट करके चोर बाइक को आसानी से चुरा रहे हैं। हमीरपुर में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। गत 3 दिन पहले भी शहर से 3 बाइकें गायब हुई थी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि बाइक चोर बाइकों को घरों से चुराकर सुनसान जगहों पर छोड़कर भाग रहे हैं। बाइक चोर बड़ी शातिरता से बाइकों के स्पार्क प्लग को डायरेक्ट करके बाइकों को स्टार्ट करके चोर बाइकों को आसानी से चुरा रहे हैं। तीनों मामलों में बाइकों को इसी तरह चुराया गया है, जिसे शहर में नशेड़ियों का काम बताया जा रहा है। हमीरपुर पुलिस ने पक्का भरोसे शुक्रवार रात को चोरी हुई बाइक को बल में पुल के पास से बरामद किया है। SHO संजीव गौतम ने कहा कि इस तरह बाइक चोरी में शामिल युवाओं को जल्द पकड़ा जाएगा। बता दें कि इस तरह बाइक चोरी होने के मामले बढ़ने से हमीरपुर शहर में लोग दहशत में हैं, क्योंकि शहर के बीचों बीच से बाइक चोरी हो रही है। पक्का ब्रो गोपालपुर से चोरी हुई बाइक HP22A3801 शुक्रवार को चोरी हुई थी। बाइक के मालिक चमन सिंह ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत है और गोपालपुर में कई सालों से क्वार्टर लेकर रहते हैं। उन्होंने बताया कि बाइक को क्वार्टर के बाहर खड़ा किया था, लेकिन चोर बाइक को स्पार्क प्लग को डायरेक्ट करके चुरा ले गए थे, जिसे बल में पुल के पास से बरामद किया है। बाइक ना पक्का भरोसा, नीचे गोपाल नगर में मेरा क्वार्टर है, वहाँ से हुई है गायब। कब हुई थी गायब? 27 तारीख की रात को हुई थी गायब। तो आपने कंप्लेंट करवाई थी? कंप्लेंट मैंने 28 को सुबह कंप्लेंट करवा दी थी। तो आज कहाँ बरामद हुई? आज ये गाड़ी जो है ना, ये कहीं ये अनुकला रोड है ब्राडवाल पे, वहाँ पुल के पास पे गाड़ी बरामद हुई। तो कैसे स्टार्ट करके ले गए थे बाइक को, कुछ आइडिया क्या बता? बाइक को स्टार्ट करके इन्होंने जो मैंने इसमें देखा ना, तो इसमें एक तार जो है इन्होंने डायरेक्ट की हुई है, बाकी चाबी मेरे पास थी इसकी, तो उसमें ये पाया गया कि जिसकी तार जो है डायरेक्ट करके इसको स्टार्ट करके ले गए हैं। और इसमें मेरे ख्याल तेल भी कम ही था, फिर तेल खत्म हुआ तो वहीं छोड़ गए। वही SHO हमीरपुर संजीव गौतम ने बताया कि पुलिस की बाइक चोरों पर पूरी नजर है और जल्द बाइक चोरी करने वालों को पकड़ा जाएगा। उन्होंने शक जाहिर किया है कि बाइक चोरी करने वाले नशेड़ी युवा हैं, क्योंकि चोरी हुई बाइकों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है और बाइक सुनसान जगह पर मिल रही है। हाँ, पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें बाइक्स एक स्थान से उठाई जा रही हैं और दूसरे स्थान पे वो मिल जा रही हैं। मतलब एज सच उन बाइक्स के साथ कोई छेड़खानी या कोई और चीज नहीं है, और सिर्फ उनके स्पार्क प्लग्स को डायरेक्ट करके बाइक्स जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिल रही हैं। 3 बाइक्स जो हैं रिसेंटली हमने ट्रेस कर ली हैं। अभी आज भी एक गोपाल नगर से जो बाइक मिसिंग हुई थी, वो आज बल में पुलिस के पास जो ट्रेस हुई है, उसके साथ कोई और छेड़खानी नहीं की गई है। तो इससे ये महसूस हो रहा है कि ये शहर में जो नशेड़ी युवा हैं, जो नशे की गिरफ्त में हैं युवा कुछ लोग, शायद वो इस तरह की कोई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और हमारी उनके ऊपर पूरी हमने निगाह रखी हुई है और हर संभव तरीके से लगभग हम काफी नजदीक उनके पहुंच गए, और शीघ्र ही वो सामने होंगे और आपको पूरी इस घटना के विषय में, ये कौन कर रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, जल्दी इसका पटाक्षेप किया जाएगा।